हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन नेट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। क्या है बच्चों? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहते किसे हैं? ये किस चैप्टर का है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है पॉलिनेशन। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्या क्या रोल को प्ले करता है। तो पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प कराता है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनेशन पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पॉलिनेशन 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 की डिफाइन लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर। यानी कि पॉलिनेशन ऐसा है जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराता है। किस पर? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर ट्रांसफर कराता है पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं और जो ट्रांसफर होते हैं वो एंथर से ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंथर के बारे में। एंथर ऐसा होता है और स्टिग्मा कुछ इस तरीके की होती है। ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होती है और ये ओवरी होती है। ये एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। यहीं से पोलन ग्रेन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर। अब इसके बाद टॉपिक आता है कि जो पोलन ग्रेन जो पॉलिनेशन है वो कितने तरीके का है, जो पॉलिनेशन है वो कितने टाइप का है। तो पॉलिनेशन आर टू टाइप। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें आता है एक ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। इसमें आता है जिटेनोगैमी और एक आता है ज़ेनोगैमी। ज़ेनोगैमी का ही दूसरा नाम क्या है? एलोगैमी। ज़ेनोगैमी का दूसरा नाम एलोगैमी। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन किस पर? स्टिग्मा पर जाती हैं। स्टिग्मा पर जाने के बाद वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाती हैं, जहाँ पे एग सेल से मिलकर के पोलन ग्रेन फर्टिलाइज होते हैं। उसी से हमें न्यू सीड मिलते हैं, न्यू फ्रूट्स मिलते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें ऑटोगैमी को पढ़ती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जेटेनोगैमी और ज़ेनोगैमी को पढ़ती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑटोगैमी होता क्या है। ऑटोगैमी when same plant or same flower, यानी कि in which the stigma and anther are near। तो यहाँ मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि ऑटोगैमी होता क्या है। जब ये पास पास में होते हैं, एंथर और स्टिग्मा पास पास में होते हैं, तो ये क्या कराती है? एक सेल्फ पॉलिनेशन कराती हैं। क्या कराती हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इनके जो जेनेटिकली हैं, ये जेनेटिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं।
जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि यहाँ एक प्लांट है, ये उसकी पत्तियां हैं और यहां पर एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये उसके स्टिग्मा है और यहीं पे ओवरी है और यहीं से क्या निकल रहा है, एक एंथर है। इमेजिन करना ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो ये एक ही प्लांट, एक ही वो है क्या है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर एक ही फ्लावर के बीच में। तो एंथर जब यहाँ से रिलीज होंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। जब सेम प्लांट और सेम फ्लावर, एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑटोगैमी होती है, उसमें ऑटोगैमी को ऑटोगैमी होती है। उसके बाद में इसका एग्जांपल जैसे कि मेज आ गया, सॉरी ऑटोगैमी में वीट आ गया, वीट, वीट के बाद पी और राइस, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऑटोगैमी हो गया, ऑटोगैमी के बाद टॉपिक आता है हमारा जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी के बाद जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी होता क्या है, जिटेनोगैमी जो पॉलिनेशन है, जिटेनोगैमी का पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन कराता है। इसमें प्लांट तो सेम है बट फ्लावर इज डिफरेंट, यहां लिख दूं मैं, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट तो सेम है बट फ्लावर कैसा है, डिफरेंट है। जब फ्लावर डिफरेंट है तो ये क्या कराता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराता है। और क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा तो सेम प्लांट है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके जेनेटिकली कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। जेनेटिकली सिमिलर कैसे हुए, जैसे कि मान लो कि एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है और इस पर एक फूल यहाँ लग रहा है, ये उसका स्टिग्मा हो गया, यही एंथर हो गया, और दूसरा फूल यहाँ लग रहा है, ये उसका स्टिग्मा हो गया और ये एंथर हो गया। यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ये ए फ्लावर मान लो, इसको बी फ्लावर मान लो, तो ए फ्लावर से बी फ्लावर के स्टिग्मा पर एंथर आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा, सॉरी स्टिग्मा ए से, फ्लावर ए से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और वो फ्लावर बी पे आके अटैच हुआ, तो जो पॉलिनेशन होगा वो जिटेनोगैमी पॉलिनेशन होगा, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेम है, जब प्लांट सेम है तो उसका जेनेटिक भी सेम होगा, जो जेनेटिक इसके पास है वही जेनेटिक इसके पास होंगे, तो ये इसी वजह से जेनेटिकली सिमिलर हो गया। प्लांट ए से प्लांट बी तक, सॉरी फ्लावर ए से फ्लावर बी तक पोलन ग्रेन अचीव हुए, और जब ये अचीव होंगे तो पॉलिनेशन कराएंगे, वो किसी के एजेंट के थ्रू हो सकता है। अब बात करते हैं कि तीसरा पॉलिनेशन मेथड क्या है। जो हमारा थर्ड पॉलिनेशन मेथड है वो है हमारा ज़ेनोगैमी, ज़ेनोगैमी और एलोगैमी भी इसको बोलते हैं। एलोगैमी का मतलब क्या होता है, एलोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट हैं और डिफरेंट ही फ्लावर हैं। एलोगैमी का होता है अलग अलग, अलग अलग यानी कि डिफरेंट, कीवर्ड है इसका एलो अलग अलग, याद रखना कीवर्ड इसका क्या है, एलो मतलब अलग अलग, ज़ेनो मतलब अलग अलग, तो डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट, जब डिफरेंट प्लांट होंगे तो डिफरेंट क्या होंगे, फ्लावर होंगे, जब डिफरेंट फ्लावर होंगे, डिफरेंट प्लांट होंगे तो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, जब जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डायग्राम के थ्रू देखो, एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, इसके पास एक फ्लावर है, इसी फ्लावर में एंथर है और इसी फ्लावर में स्टिग्मा है, और एक प्लांट ये है, इसके पास भी सेम है
एक एंथर है और एक स्टिग्मा है। ये प्लांट ए मान लो, इसको प्लांट बी मान लो। जब ए प्लांट से बी प्लांट पर, यहाँ से इसने पोलन ग्रेन को रिलीज किया एंथर ने, जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ वो पहुँचा किस पे, प्लांट बी के स्टिग्मा पर। तो प्लांट ए के जेनेटिक और प्लांट बी के जेनेटिक डिसिमिलर हैं। ये ए जेनेटिक का है, ये बी जेनेटिक का है, तो जेनेटिकली कैसे हुए, डिसिमिलर हुए, क्योंकि इनके जेनेटिक कैसे डिसिमिलर हैं। तो इसी तरीके से ज़ेनोगेमी भी कंप्लीट हुआ, जब प्लांट ए से प्लांट बी तक एंथर के थ्रू जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए वो प्लांट बी के स्टिग्मा पर जाके अचीव हुए। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एलोगेमी हुई और डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ, उसको हम कैसे कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो पूरा एक और टॉपिक का रिकैप देखेंगे, पूरा हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा हमने क्या, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर, और इसके थ्री टाइप पढ़े थे। टू टाइप पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन ज़ेटेनोगेमी, और सेकेंड इज ज़ेनोगेमी और एलोगेमी। ज़ेटेनोगेमी का एग्जांपल मेज हो गया, ठीक है, और ज़ेनोगेमी का पपाया हो गया, और ऑटोगेमी का क्या हो गया, वीट हो गया। वीट कभी देखा है, जो हमारा अनाज का पौधा होता है, अनाज का पौधा होता है, उसमें जब हम एक बीज को डालते हैं तो बहुत सारे उसमें से बीज के बंच निकलते हैं, उसमें क्या है, ऑटोगेमी हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर सब काम हो जा रहे हैं। मेज़ में देखा है कि ऊपर मेज़ के टॉप पर, मक्के के पौधे के ऊपर टॉप पर कुछ बाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, वहीं पे स्टक होते हैं, चिपके रहते हैं पोलन ग्रेन, जो कि एंथर के थ्रू निकलते हैं। जब वो पोलन ग्रेन नीचे गिरते हैं उस पर फ्लावर पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा पर आकर के वो चिपक जाते हैं। डायग्राम के थ्रू देखना, ये मैं कुछ मेज़ का बना रहा हूँ, मेज़ का यहाँ पर फ्लावर है और यहाँ पर वही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जब यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए वो यहाँ पे आके इस पर चिपक गई, तो क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, बट सेम प्लांट पर। एलोगेमी में पपाया होता है, एक के पास तो स्टिग्मा हो गया, एक के पास एंथर हो गया, एंथर से स्टिग्मा पर आया पोलन ग्रेन, आगे स्टक हुए, पॉलिनेशन हो गया। अब बात करते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरीका होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, मतलब एक क्लिस्मोगेमस होता है, एक कैस्मोगेमस होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लिस्मोगेमस। कैस्मोगेमस और क्लिस्मोगेमस, जो हमारा कैस्मोगेमस होता है वो वेल एक्सपोज होता है, और जो क्लिस्मोगेमस होता है वो क्लोजली होता है, उसमें अंदर होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बंद रहता है। ये देखो, ये खुला हुआ है, वेल एक्सपोज है, और ये वेल एक्सपोज नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो सबसे पहले एडवांटेज, वेल एक्सपोज होता है और ये वेल एक्सपोज नहीं होता। नॉट वेल एक्सपोज, और ये श्योर्ड नहीं होता, डू नॉट श्योर्ड टू सेटिंग
श्योर्ड सीड, सेटिंग सीड, और ये श्योर्ड रहता है टू सेटिंग सीड। ये श्योर्ड क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये वेल एक्सपोज है, इसके पोलन ग्रेन उड़ करके किसी दूसरे के पास भी जा सकते हैं, और हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये आके स्टिग्मा पर ही चिपके हैं, लेकिन इसमें ये कंफर्म है कि जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से बस्ट होंगे तो वो आके स्टिग्मा पर ही चिपेंगे, क्योंकि ये बंद है, इसमें अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और इसमें एक और टर्म आता है, वो टर्म आता है कि जो एंथर होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, एंथर विल गो अवे फ्रॉम द फ्लावर, बट इसमें एंथर डज नॉट गो टू एनोदर फ्लावर। ठीक है, मतलब ये वेल एक्सपोज होता है, डू नॉट श्योर्ड सीड सेटिंग होती है इसमें, इसमें श्योर्ड सीड सेटिंग होती है, नो बैट वेल एक्सपोज नहीं होता, एंथर इसके फ्लावर से बाहर नहीं जा सकते और ये इसके जा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन है वो तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पॉलिनेशन एजेंसीज पर डिपेंड करता है। इसकी एजेंसीज क्या हैं, एजेंसीज क्या हैं, तो जो इसकी एजेंसीज हैं वो दो तरीके की हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जो एबायोटिक होती हैं, एबायोटिक में ये एबायोटिक और बायोटिक, अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इसमें वो पॉलिनेटर्स होंगे जो कि नॉन लिविंग है लेकिन वो पॉलिनेशन करा रहे हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया। विंड एक ऐसा, मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली, और जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं और हाइड्रोफिली बोलते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है और स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बैट्स मतलब मैमल्स, बैट्स एक बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है, मतलब वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, मैमल है। जो इंसेक्ट होते हैं उसमें एंटेमोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट एंटेमोफिली, एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमोफिली विंड के थ्रू, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, और जो बैट होते हैं वो चारकोफिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एबायोटिक के थ्रू कैसे होता है, इसको मेलेकनोफिली, इसे चारकोफिली, ठीक है। बर्ड्स, स्नेल्स, बैट्स, इंसेक्ट, ये तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जिसको हम बायोटिक एजेंट बोलते हैं, बायोटिक एजेंट, और ये अबायोटिक एजेंट। अब बात करते हैं
कि अबायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अबायोटिक एजेंट होता क्या है। अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन कराने का एक मेथड है, जिसमें हम पढ़ेंगे विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू। विंड के थ्रू पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ये एक तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने में हेल्प कराते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मान लूँ कि ये एक स्टिग्मा है, और ये एक एंथर है। जब ये एंथर, ये फ्लावर मान लो कि पूरा एक फ्लावर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये एंथर है। मान लो कि अभी ये एंथर है वो मैच्योर नहीं हो पाए, मतलब बन नहीं पाए, बट स्टिग्मा इज मैच्योर, स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है, और ये एनोदर एनोदर प्लांट का क्या है, एंथर है। यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ये भी मैच्योर हो गया और ये भी मैच्योर हो गई स्टिग्मा, ये सेम टाइम पर मैच्योर हो गई। बट जब एक हवा का झोंका आया तो इसके जो पोलन ग्रेन थे, ये पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पे आके स्टक हो गए, यानी कि। और विंड के थ्रू पोलिनेशन का मतलब ये, इसके एडवांटेज होती है कि जो पोलन ग्रेन होती है वो स्टिकी होनी, वो सॉरी पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, पोलन ग्रेन फैदरी होनी चाहिए, फैदरी होने के साथ साथ लाइट वेट होनी चाहिए, लाइट वेट होने के साथ साथ ये स्टिकी होनी चाहिए, जो कि स्टिग्मा पर आके जाके स्टक हो जाए। तो ये किसने किया, ये एक हवा का झोंका आया, पोलन ग्रेन जब लाइट वेट थे तो वो कहाँ पे जाके आ गए, स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिग्मा होनी चाहिए फैदरी होनी चाहिए, वेल एक्सपोज होनी चाहिए, वेल एक्सपोज होने के साथ साथ स्टिकी होनी चाहिए, जो कि पोलन ग्रेन आके यहाँ पे अचीव हो जाए। और वाटर के थ्रू पोलिनेशन का क्या मतलब है, अब वाटर के थ्रू पोलिनेशन कैसे होगा, मान लो ये क्या है, ये एक वाटर सरफेस है, ये एक प्लांट है जिसका स्टिग्मा है ये, और ये फ्लो ऑफ मतलब वाटर इधर फ्लो हो रहा है, और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का जो मुंह है वो इधर की साइड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके, मतलब पोलन ग्रेन ये आ गई, जब ये स्टिग्मा ओपनली लार्ज होगी तो ये फ्लो कर, मतलब ये अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। जब पोलन ग्रेन जब अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगी तो स्टिग्मा पर, जैसे कि ये है, ये मान लो पोलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है, तो पोलन ग्रेन आकर के, और ये पानी का बहाव है इधर का, पोलन ग्रेन इधर आ रहे हैं बहाव के कारण, और जबकि स्टिग्मा का मुख इधर है, अपोजिट साइड ऑफ पोलन ग्रेन। जब ये यहाँ पे आके आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, वेल एक्सपोज होनी चाहिए स्टिग्मा, वेल एक्सपोज होने के साथ साथ और स्टिकी होनी चाहिए, स्टिकी होनी, भाई ये सेम प्रोसेस है, वेल एक्सपोज, स्टिकी और फैदरी। और पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, पोलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए जिससे ये डूबे ना, और ऐसे होनी चाहिए जो पानी में ना डूबे, पानी में ना भीगें, जिससे इस पर कोई फर्क ना पड़े। अब बात आती है कि एबायोटिक एजेंसी क्या है, सॉरी अबायोटिक तो पढ़ लिया, बायोटिक एजेंसीज क्या है। बायोटिक एजेंसीज में हम पढ़ने वाले हैं केवल इंसेक्ट, क्या पढ़ने वाले हैं, इंसेक्ट एंटेमोफिली, इंसेक्ट एंटेमोफिली। एंटेमोफिली इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इंसेक्ट बायोटिक एजेंसी कैसे है, वो बायोटिक एजेंट कैसा है। इंसेक्ट यानी कि एक मान लो कि मधुमक्खी है, जब मधुमक्खी एक दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो उसके पैरों में क्या चिपक जाती हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाती हैं। पोलन ग्रेन क्यों चिपक जाती हैं, क्योंकि उनके पैरों में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कभी भी जूम करके देखा हो
कभी भी देखना है आप केवल डायग्राम में देख लेना इस तरीके से उनके पैर में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये फ्लावर पे बैठते हैं, जब ये फ्लावर पे बैठती हैं तो इनके इनके पैरों पर क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, जब ये उड़ करके दूसरी जगह पर जाती हैं, जब ये चिपक जाती हैं आकर के, तो जब ये मधुमक्खी उड़ करके दूसरी जगह जाती हैं, जब ये उड़ करके दूसरी जगह जाती हैं तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के ये उनको मतलब हिला देती हैं, अपनी बॉडी को हिलाने के बाद जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जाकर के उस स्टिग्मा पर जाकर के चिपक जाती हैं। तो मान लो कि यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर आकर के एक मधुमक्खी बैठी, उसके पैरों पर पोलन ग्रेन चिपके, और कहीं दूर जाकर के एक फ्लावर यहाँ पर है जहाँ पर उसकी स्टिग्मा मैच्योर है पोलन को अचीव करने के लिए, वो उड़ करके कहाँ आई, ये मधुमक्खी उड़ करके यहाँ पर आकर बैठी, तो जो उसके पोलन ग्रेन थे वो यहाँ पर आके स्टक हुए और यहाँ पर आकर के उसका पोलिनेशन हो गया। थ्रू बाई एंटेमोफिली और इंसेक्ट पोलिनेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, अब हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो मेंस के थ्रू बनाई हुई हैं। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कल, इसी जोश के साथ बने रहना हमारे YouTube चैनल द ऑनलाइन अड्डा पर, जिसमें पढ़ने वाले हैं कल की क्लास रहने वाली है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पीछे के सारे टॉपिक क्लियर करने होंगे, जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। उन सारी वीडियो को देखते हुए आप इस टॉपिक पर कल हमारे साथ बने रहना द ऑनलाइन अड्डा पर।